हाय एवरीवन, आई एम कोमल तिवारी, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अगर आप भी इस तरीके की एड़ियों से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपकी भी एड़ियाँ स्मूथ हो, एकदम क्लीन हो, तो आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, मैं जो वीडियो आपको बताने वाली हूँ या फिर मैं जो आपको रेमेडी आपको मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि हम इनमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट हम यूज़ कर सकते हैं, यानी क्या क्या सामान हम इस रेमेडी को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला, आप कैंडल ले लीजिए, मोमबत्ती। आप एलोवेरा ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए और आप नारियल का तेल ले लीजिए। यस गाइस, इन चार तरीक़ों से हम एक अच्छी खासी वैसलीन के फॉर्म में एक रेमेडी बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ, इस रेमेडी को बनाने की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम दो कैंडल लेंगे और फिर मीडियम साइज़ का वो कैंडल होगा और फिर हम अपने हाथों से इसे धीरे धीरे एकदम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। ये देखिए, मैं दो कैंडल मीडियम साइज़ का ली थी और मैं इसे धीरे धीरे अपने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में मैं इसे तोड़ देती हूँ। मैं सरसों का तेल लूँगी 2 चम्मच और इसमें डाल दूँगी। दो चम्मच एलोवेरा जेल लूँगी और वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। फिर स्पून की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस पे स्लो फ्लेम में इसे रख देंगे और जब तक इसमें जो ये पीसेस हैं कैंडल के, ये सब अच्छे से मेल्ट हो नहीं जाते हैं, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। और हाँ, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा एक बात का कि हमारे गैस का फ्लेम धीमे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना हमारी कटोरी जल जाएगी। ये देखिए, हमारा फ्लेम धीमे है और हम इसे अच्छे से चला रहे हैं स्पून से, जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। आप चलाते रहिए। ये हमारी रेमेडी इस तरीके से दिखेगी और ये हमें तब भी इसे चलाते रहना है ताकि ये जम ना जाए। आप देख सकते हैं, हम इसे स्पून की हेल्प से चला रहे हैं ताकि ये एक वैसलीन के फॉर्म में स्टोर हो सके। आप देख सकते हैं हमारी रेमेडी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। ये देखिए, ये सब मेल्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। इस तरीके से आपको एक फोम के रूप में दिखेगा। हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं किसी भी इस तरीके के डिब्बे में या फिर आप किसी भी बॉटल में इसे स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो इसे यूज़ करने में। ये देखिए, मैं सारा इसमें स्टोर कर ले रही हूँ इस तरीके से। एक छोटे से ही बॉटल में ये आ चुका है, छोटे से डिब्बे में। अब हम ये जान जाते हैं कि इस रेमेडी को हम कब और कैसे यूज़ करेंगे। तो गाइस, इस रेमेडी को हम रात में सोने से पहले यूज़ करेंगे और जब भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें अपने पैरों को ज़रूर धुल लेना चाहिए। तो गाइस, पैरों को धुलने के लिए आप पहले गर्म पानी कर लीजिए। आप एक टब पानी गर्म कर लीजिए और उसमें शैम्पू ऐड कर लीजिए और फिर आप ब्रश की हेल्प से इसे इस तरीके से अच्छे से अपने पैरों में रब करिए। आपको अच्छे से रब करना है। ये देखिए, आगे पीछे दाएं बाएं, हमें अच्छे से रब करते रहना है। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से रब कर रही हूँ ताकि हमारी जो डेड सेल्स हैं पैरों की, वो सब साफ हो जाए, अच्छे से इसमें हट जाए। ये देखिए, दोनों पैरों को इसी तरीके से अपने साफ कर लेती हूँ ब्रश की हेल्प से। ये देखिए, अच्छे से मैं इसकी हेल्प से दोनों पैरों को अपने अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और अब नॉर्मल पानी से हम अपने पैरों को धुल लेंगे, जिससे जो शैम्पू की झाग है वो सब हट जाए। फिर आप टॉवल की हेल्प लीजिए और अपने पैरों को अच्छे से पोंछ लीजिए ताकि पानी इसमें इकट्ठे ना रह जाए। अगर पानी रह जाते हैं तो हमारे पैरों में छाले पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो गाइस, इसीलिए आप अपने पैरों को अच्छे से आगे पीछे अच्छे से आप पोंछ लीजिए टॉवल की हेल्प से।
तो गाइस अब हम इसमें क्रीम लगाएंगे। ये देखिए जो हमने वैसलीन स्टोर किया था उसे आप अच्छे से इस तरीके से अपने पैरों पर अप्लाई कर सकती हैं। आप इसे धीरे धीरे अपने हाथों से रब करिए, आगे पीछे हर तरीके से आप अपने पैरों पर इस तरीके से मसाज करिए। एड़ियों पर स्पेशली ख़ास तौर पे आप मसाज करिए ताकि हमारी एड़िया कभी भी जो है क्रैक ना हो। ये वैसलीन मेनली ये काम करता है कि ये जो क्रैक होती हैं उन सारे घावों को भर देता है। अगर हमारे पैरों में छाले भी हैं तो उसके लिए भी ये फ़ायदा देता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल हो गया या फिर सरसों का तेल हो गया, ये दोनों ही एंटीबायोटिक हैं और ये नेचुरल रेमेडी है गाइस। आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये देखिए मैं अपने दोनों पैरों पर अच्छे से इसे अप्लाई कर ले रही हूँ। और अब अप्लाई करने के बाद मैं इसमें सॉक्स पहन लूँगी, यानी मैं इसमें अपने पैरों में मोजे पहन लूँगी ताकि जो मैं मॉइस्चराइज़र ये लगाई हूँ वैसलीन, ये इसमें ऑलरेडी रात भर मेंटेन रहे। इससे हमारे पैर सॉफ्ट हो जाएंगे और जो क्रैक है वो हील हो जाएंगी। इससे आपकी एड़ियाँ कभी भी नहीं फटेंगी गाइस। आप सॉक्स पहन के रात को सो जाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर